नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में एक होटल में राष्ट्रीय स्तर के शूटरकीकरण लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है 15 साल का प्रियांशु होटल के बाथरूम में नहाने गया था, उसी दौरान उसे करंट लग गया। प्रियांशु करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रही नॉर्थ जॉन शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आया हुआ था और अपने साथियों के साथ होटल में ठहरा हुआ था। ये तस्वीर है 15 साल के प्रियांशु की, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। 15 वर्षीय प्रियांशु देहरादून के निजी स्कूल में 11वीं का छात्र था, जो मूल रूप से नवादा बिहार का रहने वाला था। प्रियांशु 9 तारीख को दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में चल रहे नॉर्थ जॉन चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए आया था और अपने कोच और साथियों के साथ प्रहलादपुर स्थित एक होटल में रह रहा था। कल सुबह प्रियांशु अपने होटल के बाथरूम में नहाने के लिए गया था, तभी करंट लग गया। आनंद फानन में उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत करार दे दिया। प्रियांशु मूल रूप से बिहार के नवादा का रहने वाला था, जो अपनी पढ़ाई देहरादून में कर रहा था और वहीं पर शूटिंग की भी कोचिंग ले रहा था। प्रियांशु बड़ा होनहार खिलाड़ी था और पढ़ाई लिखाई में भी तेज था। प्रियांशु शूटिंग में अचूक निशाना था। उसकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि महज 15 साल की उम्र में ही वो राष्ट्रीय स्तर के गेम्स में 30 से ज्यादा गोल्ड मेडल जीत चुका है। परिजनों का आरोप है कि होटल की लापरवाही की वजह से ये हादसा हुआ है, जिसके लिए घर वाले होटल मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल को सील किया है और होटल मालिक के लापरवाही का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच कर रही है। समर इंडिया के लिए मोहम्मद आसिफ बोबी के साथ मोहम्मद इरफान की रिपोर्ट। मामला ये है कि इसका आया था कुछ दिन पहले 9 अक्टूबर को, यहाँ पे शूटिंग के लिए नेशनल लेवल के लिए चैंपियनशिप चल रही थी सर, इसमें शामिल होने के लिए आया था, ये होटल में ठहरा था। क्या नाम है होटल का? उनका नाम सर प्रियांशु कुमार चौरसिया है, छतरवार के रहने वाले हैं, नवादा जिला के हैं। हम लोग सर बचपन से ही साथ में रहे हैं, खाए पिए हैं, उसके बाद फिर आप उनके साथ शूटिंग करते हैं? शूटिंग नहीं करते थे, पहले बचपन में थे, उसके बाद वो 10th करके देहरादून के लिए उत्तराखंड के खिलाफ हो गए थे खेलने के लिए। उसके बाद उनका तिरुवनंतपुरम में सिलेक्शन हुआ था, वो मतलब 11 साल से गोल्ड मेडल जीत रहे थे, करीब 28-30 मेडल जीत चुके हैं गोल्ड मेडल। उनका चेन्नई में भी सिलेक्शन हो गया था गोल्ड मेडल में, पेपर में पहले भी नाम आ चुका था। उसके बाद ये फाइनल राउंड था उसका नेशनल लेवल का, उसके बाद फिर यहाँ सिलेक्शन होने के बाद इंटरनेशनल में जाने वाला था सर। हम लोग सर इस तरह की घटना घटा है कुछ भूल नहीं सकते, पूरा परिवार लोग का बचपन उनके साथ पढ़े? हाँ पढ़े हैं, साथ में रहे हैं सर। नवादा? नवादा जिला में, गाँव में पहले रहते थे, वहीं पढ़ते थे। उसके बाद इनका पापा का जॉब था वहाँ पे, तो चक्रधरपुर में चले गए थे। छतरवार के हम लोग थे, साथ में खेले गए थे, आना जाना सब कुछ था, लेन देन था। तो क्या कहेंगे, किस तरीके की? हम तो यही कहना चाहते हैं सर, जो घटना घटा है बहुत ही बुरा हाल है हम लोग का, ऐसा भविष्य के लिए किसी भी खिलाड़ी को या देश के लिए अच्छा नहीं होना चाहिए। इसे सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए, होटल मैनेजमेंट के ऊपर, कोच के ऊपर, जो भी है, जहां भी है, मामले को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए, ताकि आगे आने वाले भविष्य के लिए सुधार किया जा सके। प्रियांशु कुमार चौरसिया जो थे, जो 30 मेडल जीत चुके हैं, अभी गोल्ड मेडल था उसमें सर। ठीक से जी, आपका नाम? जी अमर सिंह। अमर सिंह जी, आप क्या एक जो कोचिंग दे रहे थे आप जी, दुखद मौत हुई है, क्या है पूरा मामला बताएं? पूरा मामला यह सर कि हम लोग जो है नॉर्थ जोन शूटिंग कंपटीशन में खेलने के लिए दिल्ली में आए थे यहाँ पे, और मैं उत्तराखंड राज्य राइफल संघ की तरफ से टीम मैनेजर हूँ, और हम लोगों ने यहाँ पे 9 तारीख में इस होटल में रूम बुक किए थे। क्या होटल का नाम? क्या होटल का नाम? इसका कलेक्शन ओयो के नाम से है। कलेक्शन ओयो? हाँ जी। तो इसमें हमने बुक किया था रूम 9 तारीख? हाँ 9 तारीख को। 9 अक्टूबर? हाँ 9 अक्टूबर को। तो उसमें जो है रूम नंबर 205 में अर्ली कल 13 तारीख को हमारा एक बच्चा जो राष्ट्रीय स्तर का निशानेबाज था प्रियांशु कुमार, और वो ऑलरेडी इंडियन टीम के सिलेक्शन ट्रायल के लिए क्वालिफाई था, तो वो नहाने के लिए बाथरूम में गया और गीजर से करंट लगा। गीजर से करंट लगा, उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ आई। उसके साथ में जो दूसरा खिलाड़ी था, जो कि राज्य स्तर का निशानेबाज है, उसने आके होटल के कर्मचारियों को सूचना दी, ऊपर पहुँचे। पहुँचने के बाद में उसको नीचे लेके आया गया, तो और उसकी करंट के कारण रास्ते में हॉस्पिटल जाते हुए दुखद पे आप लोग ले जा रहे थे? हाँ, अपोलो हॉस्पिटल में। हाँ जी। तो पहले रास्ते में ही? हाँ, मतलब डॉक्टर ने डिसाइड किया वहाँ पे
की उसकी डेथ हो गई। अभी तक वो कितने खेल खेले थे, क्या उसको मेडल वगैरह? अभी सर तकरीबन 4 साल से, वो मान के चलिए कि 11 साल की उम्र से निशानेबाजी कर रहा था। उसने राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे तकरीबन 30 से 35 मेडल जीते थे अभी तक। तो उसमें गोल्ड भी शामिल, उसमें गोल्ड भी शामिल थे सर। और मेडल जीते, हाँ। और भविष्य में हम लोग देख रहे थे कि वो इंडिया के लिए कुछ करेगा, लेकिन यहाँ अभी पार्टिसिपेट करा था, यहाँ पे अभी उसका मैच नहीं हुआ था। उसका 17 तारीख को उसका मैच होना था यहाँ, 17 अक्टूबर। हाँ जी। और कल आया था वो? नहीं, वो 9 तारीख में आ गए थे, क्योंकि 9 तारीख में ऑफिसर प्रैक्टिस मिलती है हमको। हाँ। तो उसमें जा सारे 9 तारीख से यहाँ रह रहे। हाँ, 9 तारीख से हम लोग यहाँ पे। और क्या, वो कहाँ के रहने वाले थे सर? वो प्रियांशु बिहार के रहने वाले थे। बिहार में कहाँ? बिहार में नवादा से। और उनके पिताजी क्या करते हैं? उनके पिताजी एक शिक्षक हैं, टीचर हैं। हाँ। जी, तो उन लोगों को सूचना दे दी गई? हाँ, उनके पिताजी को सूचना दे दी गई है और पिताजी सब लोग आए हैं यहाँ पे साथ में सब लोग। इसमें कुल कितने खिलाड़ी ठहरे हुए थे? इसमें तकरीबन मान के चले कि ऑलमोस्ट उत्तराखंड के अलावा भी मुझे लगता है कि तकरीबन 90% इसके अंदर शूटिंग टीम थी, अदर स्टेट, पंजाब की टीम मानो, उत्तराखंड की मानो, एक दो स्टेट और, तो मैक्सिमम शूटिंग टीम थी। क्योंकि यहाँ से ये चैंपियनशिप जो चल रहा है, हाँ, कब से शुरू है, कब तक? ये 9 तारीख से चल रहा है सर और ये 20 तारीख तक चलेगा वहाँ पर। अच्छा, इसका पूरा चैंपियनशिप का नाम क्या है? इसका नॉर्थ जोन शूटिंग चैंपियनशिप है, जिसमें नॉर्थन इंडिया के तकरीबन 13 स्टेट और यूनिट इसमें पार्टिसिपेट करती है। यहाँ से बच्चा नेशनल के लिए क्वालिफाई करता है। नेशनल के लिए यहाँ से क्वालिफाई करता है बच्चा। तो क्या कहेंगे, पुलिस की कार्रवाई कैसी रही है और क्या आप इसमें किसी की? सर अभी तो इंगेजमेंट तो सबसे बड़ी लापरवाही होटल की है, होटल की सबसे बड़ी लापरवाही है और पूरा जिम्मेदार जो है होटल है, होटल मैनेजमेंट है, होटल का जो ओनर है वो है। और अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी, उसके अनुसार जो भी होगा। और हमारी मांग यही है कि इस होटल के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में, आज हमारा एक निशानेबाज गया है, भविष्य में कोई किसी का दूसरा बच्चा ना जाए। अगर आपने अभी तक हमारा समर इंडिया न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आने वाला प्रत्येक समाचार सबसे पहले आप तक।